खुशी का माहौल है और मेरा लाइफ में कभी सोचा नहीं था मेरा भी लाइफ में ऐसा कुछ होगा। इसलिए इसीलिए आप जितना लोग मेरा इस खुशी में शामिल हुआ सभी लोगों को दिल से आगे स्वागत करता हूँ और मैं आपको मैं नमन करता हूँ इस चीज से। थैंक यू। बोलने से पहले मैं परमपिता भगवान को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उसके बिना ये पत्ता भी हिलता नहीं। आज उसी ने ये दिन देव फीस किया मेरे लिए। शायद वो पहले लिख के रखा था मनुष्य तेरे लिए आज देते हैं। भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। थैंक यू। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरा मेंटर, जितना भी गुरु है मेरा मेंटर है जो जिसने मेरे को यहाँ तक लेके आए, सभी महागुरु जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मंच के द्वारा। और हमारे हम लोग का शेषा कुमारी का जो भी पास बैठ है उन लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम लोग से जैसा ऐसा इंसान जीरो से हीरो बनाते हैं उन लोगों में उन पास दायक को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दोस्तों। थैंक यू। और इस शेषा कुमारी को मैं कई दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दोस्तों। वो मेरा प्यारा टीम सबसे दमदार हर चीज में कभी नहीं पूछा गुरु जी क्यों इसका करना है, उस टीम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस टीम की बदलत आज मैं डायमंड बन पा रहा हूँ। आज मेरे नीचे 10,000 का टीम है दोस्तों। टीम के नाम हो रहा है दोस्तों। दोस्तों उन लोग का मेहनत लगन एक ही के वजह से हो रहा है दोस्तों। हर जगह पे पहले मेरा नाम नहीं था, मधु नहीं था, मनोज कौन है किसी का जानता नहीं, कोई जानता नहीं था दोस्तों। आज उन लोग की बदलत हर स्टेप पे हर जगह पे मेरा एक बिजनेस चल रहा है दोस्तों। ये बिजनेस के कारण दोस्तों। थैंक यू। पहले भी कुछ 7 साल पहले भी नाम मनोज था, आज भी मनोज नाम का एक फ्लक्स हो गया, सेंस हो गया। मेरे पास हर लोग आज सार बुलाता है, गुरु जी बोलता है, वही सेंस है दोस्तों। यहाँ पे आने का हर चीज सेंस होता है दोस्तों। एक ही करना है हमको, फोकस करना है दोस्तों। और मेरा नाम मनोज काकोटी है, गांव हाबियाल है, पुस्तक भी जना पुखी और मेरा जिसकी खुला का इसके आसाम का दोस्तों में आसाम का दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मैं मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, एक गांव से आया था दोस्तों, एक गांव का हूँ बिलोंग करता हूँ। मेरा मामी टी शर्ट था स्कूल का और मेरा फादर मैं जब EBS का था तभी मेरा फादर डेथ हुआ था। तो मैंने देखा मम्मी ने कितना तकलीफ उठाया हम लोग के लिए, साथ भाई बहन था हम लोग के लिए कितना तकलीफ उठाया, हर चीज मैंने देखा और महसूस किया। हर टाइम में मम्मी को देखा मैंने, हम लोगों के लिए ज्यादा परेशान लगता है, बोलता है बेटा खुश कर हम लोग को दिया। मामी इतना कभी खुश के लिए कुछ नहीं किया, हम लोग के लिए सोचा था। ऐसा हम लोग को मेरा को मामी मिला, मामी का कुछ सोच दिया तब मेरा थिंकिंग सेंस किया, इसी वजह से आज यहाँ पे हूँ मामी की वजह से। और इस पहले मेरा वाइफ शुरू हुआ था अभियल जुगना LP स्कूल से मेरा शुरुआत था मामी का। मामी वही स्कूल में टीचर था, बचपन से मामी के साथ मैं स्कूल गया था और मैं वहाँ तक मैं वहाँ से फोटो पाई शुरू किया। उसके बाद गांव से दूसरा शहर में पढ़ाई करने के लिए गया, वहाँ से मैं 5 से 7 तक पढ़ाई किया गणपुरी बुनियादी विद्यालय में। उसके बाद मैं उससे और आगे गया तो मैं 8 से 10 तक मैंने पढ़ाई किया, देखिए ICN स्कूल में पढ़ाई शुरुआत किया दोस्तों। वहाँ पे मेरा पढ़ाई में इतना हीरो नहीं था, जीरो था, मतलब वहाँ पे SLC देने के बाद 2005 में मैंने SLC दिया था। उसी टाइम मैंने मैं 9th क्लास से ही मैंने क्या किया जॉब शुरुआत किया था, जॉब करा था वहाँ पे, एक दुकान था पीछों का दुकान था वहाँ पे मैं जॉब करा था। हर महीने मेरे को 1,000 रुपये तनखा देता था, 1,000 रुपये का तनखा था, वहाँ पे मैंने काम किया और स्कूल से आने के बाद वहाँ पे काम करा था। ये मेरा जिंदगी था, मेरे को पहले तो बचपन से मैं लोगों को देखा था, लोगों को पैसा था, मेरे को भी था, मेरे को भी पैसा था, बहुत सारा पैसा था, ये सपना था। उस वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया, काम करने के बाद खुद का मैंने बिजनेस शुरुआत किया दोस्तों। यहाँ से मैंने देखा मैंने जो भी काम करा उसको मैं तुरंत सीख लेता था, ये मेरा खासियत था, मेरा सिर्फ का था। उसको मैं सीखने के बाद खुद का दुकान स्टार्ट किया, 9th-10th क्लास में दुकान स्टार्ट किया। और पहले मेरा दुकान बराबर चला था, दोबारा चला था, बस बिजनेस में लॉस हो गया दोस्तों। होने के बाद मैंने काफ़ी सारा इंटरव्यू भी दिया था जॉब के लिए, जॉब नहीं मिला, नहीं मिलेगा क्या हुआ, तब मैंने पेपर में ऐड देखा, बैंगलोर आने के लिए मैंने डिसीजन लिया। जब बैंगलोर 2006 में मैं बैंगलोर आया था, यहाँ पे BSF का जॉब मिला था, BSF मतलब वो नहीं है, बैंगलोर सिक्योरिटी फोर्स में जॉब मिला मेरे को, क्या होता है बैंगलोर सिक्योरिटी फोर्स। वहाँ पर मैंने 1 मंथ काम किया, काम करने के बाद देखा इसमें नहीं हो सकता दोस्तों। दूसरा हर चीज मैंने काम किया, डिलीवरी का काम किया, कार वॉशिंग का काम किया,
मिस्टर प्रशांत कोलिता कुलिस का जोड़ा चले जा रहा ये गुरुजी ने मेरे को ये बिजनेस का प्लान सेफ शॉप का कंपनी का प्लान देखने के लिए मौका मिला उस गुरुजी का बदला आज मैं यहाँ पे कुछ बोल पा रहा हूँ लाइफ से तो गुरुजी के बदला हो रहा है और मैंने जिस दिन मैंने प्लान देखा गुरुजी ने एक ही बात बता रहा था सामने आप पैसा कमाना चाहते हो हाँ मैंने बोला हाँ करोड़पति बनना चाहते हो हाँ ये की बात है हाँ 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 मैंने कभी मुंडी ऐसे नहीं हुआ मुंडी हाँ हाँ बोला इसीलिए आज आपके दोस्तों मुंडी का खेल है ये बिजनेस मुंडी का खेल है जब आप मुंडी हिलाओगे कुछ नहीं होगा मैंने हिलाया था बस हाँ के लिए हिलाया था बस आके डायमंड में पहुंच गए दोस्तों उसके बाद यहाँ पे तुरंत ही मैंने फॉर्म लिया था ज्वाइन किया था बिजनेस को मैंने एक सूट लिया था बस एक सूट लेकर बिजनेस को मैंने शुरुआत किया था मैंने एक छोटा सा सूट क्यों पहना है मतलब बारात में बनना है इसलिए मेरा सूट पहना था दोस्तों ये बिजनेस के लिए उसके बाद धुआंधा मैंने शुरू किया बिजनेस करने के लिए जब मेरा छुट्टी होता उसके बाद मैं प्लान देखना शुरुआत किया गुरुजी और इससे मेरे को बहुत कुछ सपोर्ट किया मेरा हम लोग का मेंटर गुरु सबका रोल मॉडल हमारा पटेल कुमार महाराज का जोड़ा था लेना से थैंक यू हर चीज को मेरे को सिखाया ए टू जेड किस हिसाब से काम करना था किस तरीके से बिजनेस का करना था किस तरीके से लोगों से गिरी निकालना है हर चीज को मेरे को सिखाया तब जाके आज यहाँ पे हूँ दोस्तों और उसके बाद एक दिन मौका मिला वन मंथ के बाद एक गुरु जी को मिलने के लिए मौका मिला हम लोग का साउथ का चुमू महाराज को मिलने के लिए मौका मिला जिस दिन मैं गुरु जी को मिलने के लिए क्या होकर गया था गुरु जी का लाइफ स्टाइल देख के मैं फिदा हो गया चलो लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा भी हो सकता है क्या मेरे को दिल में आया ऐसा भी लाइफ स्टाइल हो सकता है क्या हाँ तुरंत मैंने सुना गुरु जी मेरे को बोला डायमंड आप डायमंड बन सकते हो उसी दिन गुरु जी का मैं कसम खा रहा गुरु जी का नजर में डायमंड हो तो एक दिन यहाँ पे डायमंड बनना है बस उसी दिन से मैं तुरंत काम करना चालू किया थैंक यू उसके बाद बिजनेस में मेरे को एक ही गुरु जी ने पठाया एक महीने के बाद दिशा ट्रेनिंग था गोवा में फर्स्ट टाइम मैं जब गोवा ट्रेनिंग गोवा में घूमने के लिए गया था दिशा लेने के नहीं गया था इसमें मैंने सोचा था फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में कभी गोवा नहीं देखा वो फाइव स्टार होटल क्या चीज है कभी महसूस नहीं किया उसको मैं देखने के लिए गया था दोस्तों बस उस होटल में एंजॉय लेना है घूमना है फूलना है बस वहाँ पे देखा तो लाइफ स्टाइल ही बदल गया दोस्तों जब देखा वहाँ पे जसवीर महाको जी और विकास महाको जी पश्चिम महाराज का ट्रेनिंग था तब देखा तीन गुरु जी को वहाँ पे देखने के बाद मेरा लाइफ ही चेंज हो गया जो बिलीव था ना लोग यहाँ से करोड़पति बन सकता है यहाँ से ये बिजनेस को करने से हम यहाँ से बहुत सारा पैसा कमा सकते उसको मेरे दिमाग में घुस गया उसी हिसाब से मैंने करने का चालू किया और मेरे साथ बहुत सारा लोग आया जैसे मेरे साथ आया हमारा आसाम का मिलोनती बड़ा विश्वदेव बड़ा बिटुपन जी ऐसे और सोनोज कुमार बिहार का है और उड़ीसा का विक्रम सिन्हा ऐसे राजस्थान से मुरलीधर ऐसे आपू साहब हर लोग सूरज कुमार ऐसे हर लोग मेरे साथ जुड़ के काम किया हर आज उन लोग के साथ हजार का टीम है दोस्तों आज उन लोग के बनने वाला टाइम है दोस्तों थैंक यू यहाँ पे एक ही सिखाया गुरु जी ने बता रहा है आपको इसमें बिलीव करना है बस विश्वास करना है जैसे यहाँ पे बिलीव करके काम करके यहाँ से आप ये डायमंड बन सकते हो और एक ही यहाँ पे है आप हर एक्टिविटी में आप यहाँ पे शामिल होना है आपको सक्सेस चाहिए तब जाके आप यहाँ पे सक्सेस बन पाओगे आप एक्टिविटी में शामिल होना है जो भी आप एक्टिविटी आता है ना यहाँ पे जो फंक्शन होगा कोई दिशा लेनी हर चीज में आपको उसमें आपको शकल दिखाना है बस शकल दिखाने जाओ एक दिन आप तीन साल के बाद यहाँ पे 100% डायमंड बन के आओगे दोस्तों मैंने वही काम किया गुरु जी ने जैसे बताया था आप यहाँ पे शकल दिखाओ एक दिन यहाँ पे डायमंड वही मैं बैठे गया मेरे को कुछ आता नहीं था दोस्तों मैं तो जीरो था ये जीरो क्या होता है हर चीज में जीरो होता है बोलकर क्या होता है रात में क्या होता है जीरो होता है वही मैं था जैसे बताया वही काम करते गया दिमाग नहीं लगाया दिमाग लगा छोड़ नहीं था दिमाग है ही नहीं पहले से दिमाग नहीं था दिमाग में से मैं आसान से कुछ अच्छा जॉब मिला था दिमाग नहीं था तो बैंगलोर में आकर जॉब करा था इसी हिसाब से मैंने काम किया तब जाके 10,000 का टीम बनाया दोस्तों यहाँ से थैंक यू टिकट तो हर जगह पे आता है दोस्तों सैलेंस हर चीज में आता है जॉब में भी सैलेंस आता था हर काम में सैलेंस होता है दिक्कत आता है परेशान आता है यहाँ भी क्यों होता है वो नहीं हमारा सचिंग होता है ये डायमंड बनकर जो भी काम होता है ना